पंकज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ब्लॉग्स। तो अभी आए हैं हम एमा इलेक्ट्रिक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक शोरूम पर। तो हमारे साथ हैं अर्पित भाई और वो बताएंगे सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइकें भी आने वाली हैं। तो कितने ब्रांड्स हैं अर्पित भाई? हमारे पास भैया 10 अप्रोक्सीमेटली 10 ब्रांड हैं और ब्रांड जितने भी होते जा रहे हैं और जितने भी 10 के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो ब्रांड है टॉप ब्रांड है वो हमारे साथ चले हुए हैं। बाकी बहुत सारे ब्रांड जुड़ना चाहते हैं बट हमने जोड़े उस मल्टी ब्रांड शोरूम है जिसमें कि आपके 10 कंपनियाँ होंगी और हमारे साथ और भी कंपनियाँ जुड़ने वाली हैं। ये 10 जो कंपनी है अपने आप में टॉप कंपनी है, तो अच्छी कंपनी है जिनके पास उनका वेयर हाउस है बड़ा, जिसमें जिनके पास स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल पार्ट्स हैं हमारे पास, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके आसानी से पार्ट्स मिल जाएंगे हमारे पास ही मिल जाएंगे जी। और दूसरी चीज़ हमारे पास 10 कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास, लगभग 30 के आसपास हमारे पास मॉडल, एक ही शोरूम में 25 से 30 मॉडल मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर 25 से 30 मॉडल एक ही शोरूम मिलेंगे आपको जगह जगह जाने के। अभी 10 ब्रांड है तो 10 ब्रांड के दो तीन मॉडल, दो तीन मॉडल और अप्रोक्स लगभग 20 से 25 मॉडल एक ही शोरूम के अंदर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड्स के। तो अर्पित भाई अभी किस मॉडल के बारे में, आप इसी मॉडल के बारे में बात करें इसके बारे में आपको कौन किसी कंपनी से बात करेंगे, कौन सी कंपनी का है ये? हमारे पास सेम मॉडल सुपर टाइप में भी आता है, S1 में भी आता है, S1 एक कंपनी है उसमें भी आता है, फिडाटो में भी आता है ये मॉडल, और ये मॉडल हमारे पास एक तो कंपनी और है उसमें भी आता है जी। और ये मॉडल ये ओला को थोड़ा सा कॉपी करके बनाया गया है, ये वाला मॉडल की उसकी जो हेडलाइट है वो ओला से मैच करता है। ये स्कूटर हमारे पास 3 या 4 कंपनी में आता है, ये मॉडल सबसे ज़्यादा एक्टिव मॉडल है। इसका ये फायदा अलग अलग कंपनी में होने का ये फायदा है क्योंकि इसके पार्ट्स हर कंपनी के पास मिलेंगे। अगर आपने मान लिया सुपर टाइप का स्कूटर है, ये स्कूटर की इसकी हेडलाइट है, ये आपके रिंग जलती है, नौ तरह के कलर हैं इस रिंग में, ये LED है, DRL बोलते हैं। अच्छा, नौ तरह के कलर हैं? हाँ, नौ तरह के कलर हैं इसमें। अगर मैं आपको दूसरा फोटो दिखा दूँ, 9 तरह के कलर हैं इसमें। ये मैट फिनिश में कलर है, बहुत ही इस टाइम ट्रेंडी है, है ना, मैट फिनिश में चलता है स्कूटर ये। और ये ओला को कॉपी करके बनाया गया, ओला इलेक्ट्रिक, ओला आज के डेट में काफ़ी फेमस हो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्रांडिंग काफ़ी, ये आपको कम बजट में ओला स्कूटर मिल जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, इसकी क्रोम फिनिश है ना, आपका क्रोम पीछे भी आता है, इसका पीछे का बैकलेस बहुत अच्छा है ना, इसका बैकलेस ये देखिए, इसका इवन स्टैंड में भी नीचे है ना, नीचे काफ़ी कला हुआ है, तो इसमें यहाँ पे क्रोम दिया गया है, इसमें डिस्क ब्रेक है, ट्यूबलेस टायर होंगे, ट्यूबलेस टायर है हमारे पास कुछ कंपनियों में, ये JOS का आपका MRF के टायर रहते हैं, अलग अलग है वो, तो ऊपर नीचे कॉस्ट पड़ जाती है। तो अभी इसके फीचर्स के बारे में बात कर लें। अभी इस मॉडल में अभी हमने ना ये आपका सैंपल पीस है, तो उसमें बैटरी अभी नहीं लगाई, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका भी रेडी नहीं है, मैं दूसरे किसी स्कूटर का आपको दिखा दूँगा, बट मैं फीचर्स समझा देता हूँ। ये इसमें 3 मोड है, ये पार्किंग मोड में आपका स्कूटर पार्किंग में रहेगा, आप कितना भी एक्सेलरेट करेंगे कितना भी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा तीसरा दूसरे में ड्राइव मोड है, ये ड्राइव में चलेगा, आर पे रिवर्स चलेगा, लो स्पीड में, बहुत कम स्पीड होगी, रिवर्स होगा, जैसे कि आप कहीं ढलान पे खड़े हैं और आपको स्कूटर पीछे हटाना है तो आप नहीं हटा पाते क्योंकि वेट हो जाता है, तो रिवर्स उसमें आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। तीसरा आपका ये हैजार्ड लैंप है इसके, ठीक है, ये आपको नॉर्मल लाइट है, ये स्पीड कंट्रोल है, यहाँ से इसमें गियर है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं, 4 स्पीड है इसके। ओके, ये स्पीड मोड 1, 2, 3, 4, तो इसमें ये लगाना पड़ेगा ये नहीं, या ऑटोमेटिक भी होगा? ऑटोमेटिक होता है, आपको सिर्फ स्विच दबाना है इसका। फर्स्ट गियर पे चलेगी 25 की स्पीड पे, सेकंड मोड पे चलेगी आपकी चलेगी अप्रोक्सीमेटली 35 की स्पीड पे, थर्ड पे चलेगी 45 और फोर्थ पे चलेगी 50 के आसपास। ओके, है ना, पर इसमें हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये 25 की स्पीड पे पास है। तो ये जो ग्रीन स्विच है ये नीचे, ये ग्रीन स्विच है इफ आपका कभी स्कूटर की रेस टूट जाती है, रेस का तार टूट जाता है, तो आप इस ग्रीन वाले बटन को दबा के आप स्कूटर को चला सकते हैं। मान लो रेस का तार टूट गया या कुछ भी हो गया, इसको आप दो तो आपका स्कूटर चल जाएगा। तो डबल डबल रेस है तो काफी, ये बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे ब्रेक फेल हो जाते हैं कभी, तो अगर सिर्फ आपको ब्रेक फेल हो गया, अगर आपको सिर्फ ब्रेक दबाना है
और आपका मोटर कट मार देगी, ऑटो कट मार देगी, तो आपका स्कूटर आगे नहीं जाएगा। तो ब्रेक फेल होने के बाद भी सेफ्टी फीचर है इसमें। इधर की बात करें हम तो इधर ये आपका डिपर का है, okay. है ना, डिपर का है ये आपका, आप इंडिकेटर है और हॉर्न हो गया, हॉर्न हो गया इसका तो, और इधर हॉर्न हो गया, इधर ये इसमें क्या, इधर भी हॉर्न है, इधर भी हॉर्न है, क्योंकि okay. कुछ लोग स्कूटर चलाते हैं हाँ. तो उनको इधर से आदत होती है हॉर्न पर। इसकी चाबी से ये आजकल ये छोटा सा अपना कोई मोबाइल वगैरह या छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट आ सकता है इसमें ना, या पर्स वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। इसका ये और इसका बॉडी स्पेस, इसका बॉडी स्पेस है, बॉडी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल हेलमेट में आपका आराम से आ जाएगा। तो एक फुल ये ठीक है। और इसके अब बात करें बैटरी, बैटरी तो बैटरी अंदर है कैसे? इसके अंदर है, ये लेड एसिड में है, और स्कूटर ये लिथियम में भी आता है, लेड में भी आता है। लिथियम और लेड का ये फर्क है, लेड एसिड बैटरी आपकी लगभग चलती है 2 से 2.5 साल, बताते हैं 3 साल भी है कुछ। आप अगर तरीके से स्कूटर को चार्ज करते हो, उसका जो चार्जिंग बिल्कुल, जब बैटरी डाउन हो तभी इसको चार्जिंग पे लगाना चाहिए, नहीं कि आपने 70% बच रही है, बिल्कुल 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 परसेंट है अभी, फिर भी आपने चार्जिंग लगा दी, नहीं बैटरी डाउन होने पे इसको चार्जिंग पे लगाना चाहिए, उसके बैटरी की लाइफ बढ़ती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, लेड एसिड बैटरी आपकी 12,500 की आ जाती है, वो आपकी 2-3 साल बाद, ये 2-3 हज़ार की स्कूटी है, 2.5 हज़ार की, 3 हज़ार की, इस टाइप में जो भी रेट होंगे उससे 2.5 साल बाद ये आपकी वाली बैटरी चली जाएगी, लगभग 8-9-9 हज़ार रुपये का आपका खर्चा होगा। तो कितनी गारंटी वारंटी कितनी है इनकी? लेड एसिड बैटरी की 1 साल है, मोटर कंट्रोलर 1 साल ओके गारंटी वारंटी, ठीक है। और आपका लिथियम बैटरी में 3 साल की है, 2 साल, ये 60 वोल्ट में इसमें, ठीक है। और तो कितने घंटे में फुल चार्ज हो जाती है बैटरी? ये फुल चार्ज होते हैं लिथियम वाली 3.5 से 4 घंटे में, और लेड एसिड वाली 4.5 से 5 घंटे में। ऑटो कट होता है, रात को लगा के छोड़ दो, अपने आप ही ऑटो कट हो जाएगा। ओके ओके, तो दोबारा बंद करने की भी जरूरत नहीं है? हाँ, बंद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बंद हो जाएगा। और कितने किलोमीटर चल जाती है एक बार की चार्जिंग? कंपनी क्लेम करती है 90 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पे, पर हम जो बोलते हैं कस्टमर को, फर्स्ट गियर पे सिंगल बंदा लगभग 90 से 100 किलो तक का बंदा आराम से ये 70-75 किलोमीटर चल जाती है फर्स्ट गियर। 70 से 75 किलोमीटर 50 से 3rd गियर में 50-55-60 आराम से जाता है। बाकी अगर बात करें मोटर की, तो कितने वाट का मोटर है इसमें? इसमें 1000 वाट का BLDC हब मोटर है। ओके, और आपकी जो बैटरी है वो 60 वोल्ट की है, लिथियम और इसके साथ कंपैटिबल। तो लगभग प्राइस क्या होगा इसका? इस स्कूटर को हम 66,000 में देते हैं, 66,000 में विद MRF टायर, बहुत मतलब फुल्ली लोडेड आपका डिस्क ब्रेक, आपके गियर वॉच सिस्टम, रिवर्स सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, ओके सेंट्रल लॉकिंग भी है इसमें? हाँ, सेंट्रल लॉकिंग भी है, और आपको एसेसरीज की अलग से लेनी पड़ती है, फुटरेस्ट उसमें आता है, लेडीज फुटरेस्ट जो आता है एसेसरीज में आता है जी। तो ये आपको 66,000 में पड़ता है, और इंश्योरेंस इसको हो जाता है 5 साल का इंश्योरेंस होता है, 5 साल प्लस 1 साल, 1 साल होगा 0 डेथ, किसी भी स्कूटर में कोई टूट जाता है या कुछ कुछ भी मतलब स्कूटर चोरी हो जाता है तो उसको आपको इंश्योरेंस रहेगा 1 साल। ओके, थर्ड पार्टी रहेगा 4 साल थर्ड पार्टी होगा। और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है ही नहीं? ना लाइसेंस की जरूरत है, हेलमेट तो चाहिए, हेलमेट तो साइकिल पे भी लगाना चाहिए, वो सेफ्टी फीचर आपको लगाना चाहिए, मैं कभी नहीं कहूँगा नहीं लगाना, हेलमेट लगाओ, पर हाँ कोई किसी भी तरह का फाइन चलान कुछ भी नहीं। ओके ओके ओके, तो आशीष भाई, तो हमारे व्यूअर्स को अपना शोरूम के बारे में बता दो कि कहाँ पे शोरूम है, एड्रेस वगैरह। अगर आप गूगल पे डालते हो एमा इलेक्ट्रिक मोटर्स, DIE एमा इलेक्ट्रिक मोटर्स आप डालते हो तो उसमें सारा एड्रेस लोकेशन गूगल पे सब आएगी इसकी। बाकी मैं अपने मतलब ओरली बता रहा हूँ, बिजली बम्बा बाईपास मेरठ, बिजली बम्बा रोड डाल दो, बिजली बम्बा बाईपास डाल दो मेरठ में, बढ़ाना फार्म हाउस के जस्ट बराबर में ये आपका शोरूम है।